तो आज मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं और ये ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, ये दिल्ली से ही मैंने मंगवाया है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो ये देखिए, कृष्णा आयुर्वेदा का ये है चंदन पाउडर और मैंने बिल्कुल फ्रेश ये मंगवाया ही है। दूसरा है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर कृष्णा आयुर्वेदा का, और तीसरा आजकल बहुत चल रहा है हिबिस्कस पाउडर, यानी कि गुड़हल का पौधा पाउडर। तो ये गुड़हल के फूलों का पाउडर है, ये देख रहे हैं। तो ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं जो स्टिच के लिए देना है, और इनमें से कुछ जो वो सूट है ना जो मैंने मुंबई में खरीदा था, 1 साल होने को है और अभी तक मैंने स्टिच के लिए नहीं दिया है। तो उनमें से एक ये मेरा बहुत फेवरेट सा था, ये मैंने परचेज किया था भगवान कलेक्शन से, लोखंड वाला से, और वहाँ पे मैं भी ब्लॉग देख के गई थी। तो ये एक स्टिच के लिए मैंने अभी निकाला है, और दूसरा ये भी मैंने भगवान कलेक्शन से ही लिया था, लोखंड वाला से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं और ये ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, ये दिल्ली से ही मैंने मंगवाया है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो ये देखिए, कृष्णा आयुर्वेदा का ये है चंदन पाउडर और मैंने बिल्कुल फ्रेश ये मंगवाया ही है। दूसरा है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर कृष्णा आयुर्वेदा का, और तीसरा आजकल बहुत चल रहा है हिबिस्कस पाउडर, यानी कि गुड़हल का पौधा पाउडर। तो ये गुड़हल के फूलों का पाउडर है, ये देख रहे हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है, इसका कुछ यूज़ मैं भी आपको बताऊंगी। और जैसे कि देखा जाए तो गुड़हल का जो पौधा होता है ना, गुड़हल के जो फूल होते हैं या पत्ते होते हैं, वो आपके बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो यही सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये मंगवाया है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि अब हम टिप्स शेयर करते रहेंगे आपसे। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि इसकी पैकेजिंग। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा डब्बा है ये और पूरा सील पैक है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सील पैक है और इसको ओपन करना देखिए एकदम थोड़ा सा टफ है, ऐसे हाथ लगने से ये नहीं खुलेगा। तो मैं कुछ लेके आती हूँ और उसके बाद में इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ओपन कर दिया है और अब मैं इसमें से निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गुलहड़ के पत्तों का पाउडर, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये, कोई मिलावट नहीं है। कृष्णा आयुर्वेदा की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकता है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इसका एड हमेशा आता रहता है। तो ये एक गुलहड़ का पाउडर मंगवाया है मैंने, और इसका अगर प्राइस की बात करें तो इसका जो MRP है, मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। इसका MRP है 160 रुपीज। ये देखिए, 160 रुपीज इसका MRP है। तो बहुत महंगा भी नहीं है, इसको आप मंगा के रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, तो ये भी मैं खोल लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ और देन आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका। तो ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मैंने मंगवाया है। ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। और प्राइस की बात करें तो देखिए, इसका प्राइस है 180 रुपीज़।
तो ये 180 रुपीस का एक पैक है। अब तीसरा है ये चंदन का पाउडर, इसको मैंने पहले ही ओपन कर लिया ताकि बार बार मुझे दिक्कत ना हो, तो इसको मैं ओपन करती हूँ। ये देखिए ये चंदन का पाउडर है और ये प्रॉपरली ओपन हुआ, उसमें मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने नहीं किया था। और ये देखिए एकदम ओरिजिनल चंदन है। आपको पता है जब मैंने इसको निकाला है ना, पूरे रूम में ना चंदन की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा है ये। आपको मैं टेक्सचर दिखाती हूँ इसका, देखिए ये जो टेक्सचर है ना एकदम मिट्टी के जैसा नहीं है, क्योंकि अगर एकदम मिट्टी के जैसा टेक्सचर है इसका मतलब ये ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये चंदन का पाउडर भी मैंने मंगा लिया है और अब इनसे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी होम रेमेडीज। तो अभी मैं जो आपको बताऊँगी वो एक फेशियल है जो आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, और हजारों दे करके वो फेशियल लोग कराने जाते हैं। तो इसको आप इतने सस्ते सामान को खरीद के घर में चाहें तो कर सकते हैं और अच्छा ग्लो पा सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो फेशियल क्या है और उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा और इसके अलावा और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे जिस फेशियल की मैं बात कर रही हूँ उसमें ना तो हमें चंदन की रिक्वायरमेंट है और ना ही मुल्तानी मिट्टी की, हमें उसके लिए यहां से सिर्फ हिबिस्कस पाउडर की ही रिक्वायरमेंट है। तो बने रहिए, आपको तैयारी करके दिखाते हैं। और हाँ, अगर प्राइस की बात करें तो ये जो चंदन पाउडर है इसका देखिए, इसका प्राइस एमआरपी जो है 400 रुपीस है। तो अगर किसी को परचेज करना है तो ऑनलाइन जाकर के कृष्णा आयुर्वेदा के वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पे भी इसके एड्स आते हैं तो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी कृष्णा आयुर्वेदा सर्च करके वहां से पाउडर परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिल्ली में परचेज करना चाहते हैं तो आप हमको डीएम कीजिए, हम आपको बता देंगे कि कहां से आप ले सकते हैं। तो वीडियो में मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, अगर आप लोग चाहें तो इंस्टा आईडी पे जाइए, जाकर के मुझे डीएम कीजिए और मेरी आईडी को फॉलो कीजिए, तो आपको दिल्ली में डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल सकता है। तो ठीक है, आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे हम आपको बताते हैं। तो ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं जो स्टिच के लिए देना है, और इनमें से कुछ जो वो सूट है ना जो मैंने मुंबई में खरीदा था, एक साल होने को है और अभी तक मैंने स्टिच के लिए नहीं दिया है। तो उनमें से एक ये मेरा बहुत फेवरेट सा था, ये मैंने परचेज किया था भगवान कलेक्शन से, लोखंड वाला से, और वहां पे मैं भी ब्लॉग देख के गई थी। तो ये एक स्टिच के लिए मैंने अभी निकाला है, और दूसरा ये भी मैंने भगवान कलेक्शन से ही लिया था लोखंड वाला से, तो ये भी मैंने निकाला है अभी स्टिच के लिए। बहुत सारे सूट्स हैं ना जो मैंने नहीं निकाला है। ये है इसका पेयर, कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, है ना सुंदर सा। तो इसका पेयर ये है और इसका पेयर ये है। आई गेस मैं तो भूल भी गई कि ऊपर का मतलब कमीज के लिए कौन सा था और सलवार के लिए कौन सा था। तो ये मुझे लगता है कि कपड़े की क्वांटिटी मीटर के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। तो ये दोनों मैंने थान से कटवाया था और ये भगवान कलेक्शन का ही था। तीसरा जो है वो है ये भी भगवान कलेक्शन से ही लिया था, और ये थोड़ा अच्छा सा सूट है और ये प्रॉपर सूट है, मतलब सूट सलवार कमीज और दुपट्टा। तो ये जो है सलवार का कपड़ा है पैंट के लिए, ये पैंट का कपड़ा है, प्लस ये है कमीज का, इसमें वर्क हुआ पड़ा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा वर्क है। हल्की सी गोटा पट्टी है यहाँ पे, जो समोसा वाला गोटा पट्टी होती है वो है, और इसमें आप मोती जो होता है पाइप के जैसा, तो वो मोती और साथ में ये सिप्पियां लगी हुई हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, तो ये मैंने लिया था। तो इन सबको मैं दे रही हूँ आज स्टिच के लिए,
क्योंकि हर सोमवार को कुछ ना कुछ नया पहनना अच्छा लगेगा, तो उसके लिए मैं ये दे रही हूँ। तो ये हो गए 3 सूट मेरे, प्लस ये एक सूट बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा है और आपको दिख ही गया होगा कि ये मैंने मीना बाजार से लिया है। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका और इसका वर्क तो एकदम मतलब इतना है ना कि कहीं कुछ नहीं फंसना है इसमें। छोटी छोटी शिपियों का वर्क है, देखिए इसमें थोड़ी शाइन आएंगी, बाकी धागे का वर्क है पूरा। और ये मिरर वर्क है जो बहुत प्यारा लगा था और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, बहुत सूदिंग सा है। तो ये एक मैंने निकाला है अभी स्टिच में देने के लिए। देखिए इसमें इस तरह से ये सुंदर लगेगा ना, लहरिया पैटर्न में है तो पैंट जब इसकी बनेगी तो आप लोग भी बताइएगा कैसा लगेगा बनने के बाद। मुझे तो अच्छा लगा था। और इसका दुपट्टा जो है ना टाई एंड डाई में ही है, सेम इन दोनों कलर में ही प्लेन सिफोन का दुपट्टा है, एकदम प्लेन सिफोन का दुपट्टा। इसमें भी जो है इसका दुपट्टा भी सेम ऐसा ही है और बिल्कुल प्लेन है और उसमें इस तरह की समोसे वाली लेस जो होती है वो लगी हुई है। इन दोनों के लिए अभी कोई दुपट्टा नहीं है बिकॉज ये मैंने ना थान से कटवा के कपड़ा लिया था। तो ये अभी के लिए मैंने ये 4 सूट निकाला है स्टिच में देने के लिए। और उसके साथ में मैंने एक साड़ी निकाली है, ये वाली, ये मेरी सिस्टर ने साड़ी दिया था, बहुत प्यारी है। मैं साड़ी बाद में आपको दिखाती हूँ, मैं उससे पहले और दिखा देती हूँ और क्या क्या निकाल के रखा है। तो और मैंने निकाल के रखा है ये कुर्ते का कपड़ा जो मैंने लिया था द्वारका में मेला से, काथा स्टिच पे है ये। ये देखिए ये जो है ना प्रिंटेड है कपड़ा और उसमें काथा स्टिच का वर्क हुआ पड़ा है। तो इसका कपड़ा मैंने लिया था द्वारका मेला में। तो ये मैंने लिया, ये है फ्रंट का एरिया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। तो ये है फ्रंट का एरिया और फ्रंट में आप देखिए ये फ्रंट में थ्रेड का वर्क हुआ है और इस तरह से। तो ये पूरा फ्रंट पोर्शन जाएगा और ये जाएगा हमारा दामन का पोर्शन। दामन में इतना सुंदर डिजाइन है बना हुआ देखिए, और कपड़े में ना कहीं भी कोई कमी नहीं है। और बैक की बात करें तो ऐसे ही सेम प्रिंट है बैक में, लेकिन इसमें कोई भी थ्रेड का वर्क नहीं है बैक में। और उसके बाद स्लीव्स की बात करते हैं, हम इसमें पूरा फुल स्लीव्स बनवा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे स्लीव पे थोड़ा सा काम रहेगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो एक ये मैंने लेके रखा हुआ था और अभी तक स्टिच के लिए दिया नहीं है, तो इसलिए एक ये मैं करवा रही हूँ। और ये मुझे कितने का पड़ा था ये देख लीजिए, मुझे ये 1100 रुपए का सिर्फ कुर्ते कुर्ते का कपड़ा पड़ा था। तो शायद ये 1100 MRP था और मेले में हमें ये थोड़ा सा सस्ता पड़ा था, मुझे शायद वीडियो देखनी पड़ेगी उसकी। और उसके बाद में मैंने निकाला है ये ब्लाउज स्टिच करने के लिए। इसकी साड़ी बहुत प्यारी है, आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा ब्लॉग में जब मैं पहनूंगी। तो बहुत प्यारी साड़ी है, ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है, बड़ी दीदी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो ये एक मैंने स्टिच के लिए अभी निकाला है। प्लस अब तीज आ रहा है और छठ पूजा भी आ जाएंगी, नवंबर में है बट स्टिल तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे ब्लाउज होते हैं ना जो आप बनवा के रख लो तो उसको आप किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने कपड़ा छठ पूजा में ही चढ़ाया था, पूजा में चढ़ाते हैं ना, तो वो चढ़ाया था। तो ये वही कपड़ा है। एक ये जो है ये सैटन है और ब्रॉकेट, ब्रॉकेट ही बोलेंगे इसको, लेकिन इसमें ना बड़ा अच्छा डिजाइन था, ऐसे बनारसी लुक में है ये एक्चुअली। तो ये एक बनारसी ब्लाउज बन जाएगा बहुत प्यारा सा और फिर मैं इसको किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर सकती हूँ। तो एक मैंने ये स्टिच के लिए निकाला है। दूसरा मैंने जो स्टिच के लिए निकाला है ब्लाउज का कपड़ा वो ये है। ये कॉटन स्टफ में है, ये जैसे छठ पूजा में पहनना हो तो ये उसमें मैं पहन पाऊंगी। तो ये एक मैंने सोचा है कि एक ये स्टिच करा के रख लेती हूँ। ये भी मैंने अभी लास्ट ईयर जब छठ पूजा किया था तभी मैंने इसको चढ़ाया था। और एक ये है, तो ये तो आप समझो पार्टी वेयर ब्लाउज ही बनने वाला है, मिरर वर्क में है पूरा और बेज कलर में है ये। तो ये तो आप समझिए कि किसी भी डार्क कलर की साड़ी के साथ जब इसको पहनेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। तो ये मैंने 4 ब्लाउज का कपड़ा, 4 सूट और एक कुर्ते का कपड़ा,
इतना स्टिच में देने के लिए मैंने निकाला है, और ये आई गेस आज थर्सडे है तो आज ही ये शायद दिला जाएगा। अभी मैं नीचे जाऊंगी और देख के आ जाऊंगी। तो ये इतना स्टिच के लिए निकाला है, और अब मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ग्रे कलर की साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी है। तो ये मैंने सोचा है ये निकाल लेती हूँ, ये ना कुछ मीटिंग्स वीटिंग्स के लिए मुझे जाना होगा तो सही रहेगा, तो उसके लिए मैंने ये निकाला है। बट ये थोड़ा सा ना पार्टी वेयर लुक भी है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो ब्लाउज है, इसका ब्लाउज इस तरीके का है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें गोल्डन गोल्डन लाइंस हैं, प्लस ये देख रहे हैं ये सारी सरोस्की भी इसमें लगी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। सिल्क बेस्ड है ये साड़ी, तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने गिफ्ट किया है, तो उसका दिया हुआ ये साड़ी मैं रेडी करवा रही हूँ, और ये मुझे काम आ जाएगा पहनने में, और अभी कोई फेस्टिवल में भी इसको पहन सकते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, तो कॉटन साड़ियाँ जो हैं उनका तो ब्लाउज स्टिच के लिए दे दिया है मैंने, और वो आने वाले ही हैं, वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और इन सब कपड़ों को भी मैं देने वाली हूँ। तो इनको मैं क्या स्टिच कराती हूँ, कैसा स्टिच कराती हूँ, जब आएगा स्टिच होके तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं तो एक बार में दे दूँगी, पर वो नहीं देने वाला मुझे एक बार में, वो मुझे थोड़े थोड़े करके ही मिलने वाले हैं। तो ये सब मैं एक बार स्टिच के लिए देती हूँ, और उसके बाद मैं फिर कराती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे और क्या क्या होता है आज ये सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो अभी ना तबीयत ठीक नहीं है, मन एकदम खराब लग रहा है, फेस भी देख रहे हो एकदम डल हो गया है, तो फेस के लिए तो कुछ करना ही है, और मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ बुटीक अपने कपड़े स्टिच के लिए देने के लिए, बहुत दिन से सोच रही हूँ, देने नहीं जा पा रही हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा आजकल, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है और खटी डकार आ रही है, जबकि खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि स्टमक अपसेट है ना, तो वो पेट में जो गुड़गुड़ होती है वो बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, और आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना लोकल मार्केट, और बुटीक जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितनी जल्दी मेरा काम हो जाता है, और कुछ लेके भी आना है तो खरीदते हुए लेके आते हैं, और फिर वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तो बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और चलिए अभी नीचे चलते हैं और बुटीक जा करके कपड़े देके आते हैं। तो ये है हमारा लोकल मार्केट, और आज है थर्सडे, तो यहाँ पे बाजार लगती है, और आज बहुत ही सन्नाटा है, समझ नहीं आ रहा। पहले ना रोड तक बाजार आ जाया करती थी, और यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ आएगी अंदर, आप देखिए बस। तो ये है हमारे घर के सामने का दृश्य, जो आपने पहले भी देखा है, पर आज यहाँ पे थर्सडे मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इसी गली में है मेरा बुटीक, तो मैं अपने बुटीक जा रही हूँ, और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें इस बाज़ार में मिल जाती है, इंसान को अगर कुछ लेना है तो वो जो चाहे यहाँ से ख़रीद सकता है। तो आप देख ही सकते हैं कि हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही होती हैं, तो बस सब लोग परचेज करते हैं। और यहाँ पे सब्जी वगैरह भी मिलती है, सब्जियाँ मैं भी लेके आती हूँ, और कभी कभी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट है तो नहीं मिलता। और ये छोले भटूरे, दिल्ली के हर लोकल मार्केट में ना छोले भटूरे ज़रूर मिलता है, और उसकी खुशबू इतनी आएगी ना कि आपका मन ही कर जाएगा कि आप खा लो। वुमेन वेला, जहाँ से मैं अपने ड्रेसेस स्टिच करवाती हूँ, ये है वुमेन वेला। कौन सा दुकान के नाम से? लिंक दे देना।
यूट्यूब पे है। अच्छा कितने सब्सक्राइबर हुए? अभी 4 दिन ही हुए हैं, 20 ही होंगे। अच्छा दे देना मुझे फिर। तो इतने दिनों बाद फाइनली आज स्टिचिंग के लिए कपड़ा दे दिया और अब हम चले घर की तरफ। बताओ और भैया आज कुछ बोलने के ही मूड में नहीं है। तो ये आज लगी है मंडी और इधर सब्जियां भी बिकती हैं। इस बाजार में लगभग सब चीज मिल जाता है और ये इयरिंग वाले भाई साहब तो यहाँ से मुझे भी कुछ पसंद आ गया और मैंने परचेज किया है। क्या लिया है मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत दिनों से मैं सर्च कर रही थी एक इयरिंग मोती का, तो ओरिजिनल तो नहीं मिला पर उसका एक छोटा सा वर्जन मिल गया है तो वो मैंने ले लिया है। घर चल के आपको दिखाती हूँ क्या लिया है। तो ऐसे मार्केट से ना कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो आपको चाहिए होता है और मुझे भी मिल गई। तो बस इसलिए मैं लेट आई थी क्योंकि लेट आने से ना मार्केट थोड़ा खाली हो जाता है और अभी मार्केट बिल्कुल खाली हो गया है। देखिए इनके पास भी बड़ी बड़ी इयरिंग्स है। तो बस घर जा रही हूँ। तो फाइनली आज स्टिचिंग का दे दिया और स्टिचिंग देके आ रही थी तो मार्केट से मुझे एक इयरिंग पसंद आई और वो मैं लेके आई हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सी इयरिंग लेके आई हूँ। तो ये देखिए, तो ये इयरिंग है जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी और इसका मैं ओरिजिनल ढूंढ रही थी पर अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला, पर डुप्लीकेट में मुझे एक मिल गया तो मैंने सोचा चलो एक आध बारी पहनने के लिए तो अच्छा है, तो बस ले लिया है। देखते हैं टिकता है मेरे पास या नहीं टिकता।